संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में। विदेश विच बैठ के भारत के खिलाफ साजिशां रचन वाले रेफरेंडम 2020 वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू वालों हुण भारत के संविधान ते तिरंगे का अपमान किया, जिसके विरोध विच लोग सड़कां ते उतर आए ने। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਨੂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, और जिहड़ा उन्हें फिर थोड़े दिनों बाद एक वीडियो होर पाई जिहदे विच कि उन्हें भारतीय संविधान नूं जलाया और भारत के जिहड़ा तिरंगे नूं जलाया। सो असी इस दी सख्त शब्दों के निखेधी करते हैं जिहड़ा उन्हें भारतीय संविधान नूं जलाया, क्योंकि इस देश के लखां करोड़ां दबे कुचले लोकां जिन्हां नूं भी पशुआं तों भैड़ी जिंदगी बतीत करदे लोकां नूं भारतीय संविधान ने इंसानां दी लैन दे विच खड़ा किया। असी इह कदे भी बर्दाश्त नहीं करांगे कि जेकर कोई मतलब भारतीय संविधान नूं जलावे, और असी पंजाब सरकार तों और प्रशासन तों इह मंग करदे हां कि इदा के जो शरारती आंसर ने इन्हों नत्थ पाई जाए। जेकर 26 जनवरी वाले दिन जां इस तों पहलां जां बाद जेकर किसी ने भारतीय संविधान नूं जिहड़ी जलाउण दी कोशिश कीती तां इहदे नतीजे बड़े फिर माड़े होणगे। धर्म ते जात दे नां ते पंजाब दे लोकां नूं लड़ाउण दीआं कोशिशां करन वाले गुरपतवंत सिंह पन्नू खिलाफ लोकां च भारी रोस है। जलंधर तों विधानसभा चोण लड़न वाले नीटू शटरां वाले ने भी पन्नू नूं लम्मे हत्थी लिया। जे डॉक्टर बाबा अंबेडकर साहब दे साडे संविधान नूं जिस बंदे ने बाहर बैठा पुन्नू ने उन्हें छेड़खानी करने का किया ना, मैं उसके सिर से जुत्तियां मारनिया, मैं जो मैं जित गया ना मैं उन्हें खिंच के लेना लत्तों फड़ के चुक चुक धोबी पटका करना खली दे जिम जा कुटना उन्हें। हुण मैं गल दसना चाहना कि बंदा बन जा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना लड़ा ना सियासत में आ। जे तेरे च माँ का दुध पीता ना, जे अपनी माँ का दुध पीता तो मेरे सामने आना गल कर ला एक बार आके। दस दिए कि पन्नू वालों लगातार पंजाब में अग लाने की कोशिशां की जा रही ने। रेफरेंडम 2020 ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੋਨੂੰ ਮਹਾਜਨ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ।